यह INS विक्रांत और एक इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि स्वदेशी तौर पर तैयार किया गया है। इसे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी ने बनाया और इंडिया का फर्स्ट बिल्ट इन एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसे 12 अगस्त 2013 में लॉन्च किया गया था और 15 अगस्त 2022 को इंडियन नेवी में कमीशन किया जाएगा। इसकी डिस्प्लेसमेंट यानी कि वेट 45,000 टन है और 860 फीट लंबा और 994 फीट ऊंचा है। इसकी कीमत $3.13 बिलियन है जो कि $23,000 करोड़ रुपए है और इंडियन ओशन से 15,000 किलोमीटर तक कहीं भी घूम सकता है। INS विक्रांत में 2300 से ज्यादा कंपार्टमेंट है जिन्हें 1700 लोगों के लिए डिजाइन किया गया है। INS विक्रांत में 196 ऑफिसर और 149 सेलर्स काम कर सकते हैं। INS विक्रांत टोटल 40 एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स ले जाने की क्षमता रखता है जिसमें MiG-29 के, कामोव के A-31, MH-60 और ध्रुव हेलीकॉप्टर शामिल है। इसमें दुश्मन की जानकारी लेने के लिए एडवांस रेडार सिस्टम लगा है जो कि एक टाइम पे मल्टीटास्किंग कर सकता है। INS विक्रांत में बराक मिसाइल लगी है जो कि 150 किलोमीटर तक एक्यूरेट टेकडाउन कर सकती है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि अपने दुश्मनों को टेकडाउन करने के लिए इंडिया को और एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।